इंसान एक अजीब प्राणी है। जो भी वो करता है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है। उसका चरित्र पीड़ा से गढ़ा गया है। वह चाहे जितनी पीड़ा को दबाने की कोशिश करे, इच्छा दबाने की कोशिश करे, वे अपनी शाश्वत भावना से अपने को मुक्त नहीं कर सकता। जब तक तूफान उनके भीतर उठता है वो शांति नहीं पा सकते, ना ही जीवन में और ना ही मृत्यु में। और दिन प्रतिदिन वो वही करते रहते हैं जो उनको करना चाहिए। पीड़ा उनकी नाम है और इच्छा उनकी मार्गदर्शक है। इन्हीं शब्दों के साथ डार्क नेटफ्लिक्स के सीजन 2 का 7th एपिसोड शुरू होता है। कहानी की शुरुआत 26 जून 1954 यानी कि विनाश के ठीक एक दिन पहले शुरू होती है। डॉक्टर ईगन और उसके चीफ को बता रहा होता है कि मरने वाली 5 फुट 7 इंच की औरत है जिसकी उम्र लगभग 75 से 80 साल के बीच होगी। इसकी डेथ छाती में गोली लगने से हुई है, परंतु इसकी आंखें बहुत खास हैं। इसकी एक आंख नीली है और तो दूसरी ब्राउन है और इसको हेट्रोक्रोमिया कहते हैं। ईगन टाइडमैन, इसकी अलग टाइमलाइन की तस्वीर आप ऊपर देख सकते हैं। ईगन कहता है कि यह औरत मुझे पुलिस स्टेशन में मिलने आई थी। यह मुझसे किसी बात की माफी मांगने आई थी। मुझे इसकी मानसिक हालत तब ठीक नहीं लग रही थी। यह उसी दिन आई थी जिस दिन हेल्गे भी अपने घर वापस आ गया था। चीफ कहता है कि क्या पता यह उस पागल की कोई साथी हो या उसकी माँ हो जिसने दो बच्चों को मारा था और उसने कुछ नहीं बताया अपने बारे में। चीफ ईगन से कहता है कि जाओ हेल्गे से पता करो, क्या पता हेल्गे से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डॉक्टर कहता है कि एक खास बात और है, इसकी बॉडी में रेडिएशन की बहुत मात्रा है, शायद ये रेडियोग्राफर हो सकती है। अब कहानी जाती है 1987 में। क्लोडिया गोड पार्टिकल वाली रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि आप तो पहले से ही यहाँ पर रहो। क्लोडिया कहती है कि मैंने समय की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो पूछती है आज कौन सा दिन है। उसकी सेक्रेटरी कहती है 26th June। क्लोडिया न्यूज़पेपर की कटिंग देखती है जिसमें उसके पिता ईगन के मरने की खबर थी और वो दिन था 26 जून 1987। उसकी सेक्रेटरी उसको मीटिंग के बारे में बताती है, परंतु क्लोडिया उसको बिना जवाब दिए वहाँ से चल देती है। अब कहानी जाती है 2020 में। जोनस जब नींद से उठता है तो देखता है कि उसका टाइम मशीन वाला सूटकेस गायब है। वो अपनी माँ हैना को आवाज़ देता है, मगर घर में वो उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती। उधर हैना उस टाइम मशीन के साथ गुफा में घुसने की तैयारी में होती है। इधर कैथरीना नक्शे में देख रही होती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के गुफा वाले दरवाजे के पीछे क्या है। वो खड़ी होती है और वहाँ से चल देती है। इधर चार्लेट पीटर को नोहा वाली फोटो दिखाकर कहती है कि सब चीज़ें मेरे से जुड़ी हुई हैं। चार्लेट कहती है कि नोहा ने कहा था कि दुनिया कल ख़त्म हो जाएगी और वही लोग बच पाएंगे जो बंकर में होंगे। उसने यह भी कहा है कि मेरी माँ अब भी जिंदा है। उधर क्लोसन तस्वीर को देख रहा होता है। तभी एक पुलिस वाली लेडी उसको रिपोर्ट देती है और कहती है कि जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। वो लेडी कहती है कि उस वक्त एक ही अलेक्जेंडर कोलर था। क्लोसन उसको कहता है कि वोलर को भेजो। इधर मैग्नस कहता है कि हमको किसी को बताना चाहिए। बार्तोस कहता है कि किसको और हम क्या कहेंगे। मैग्नस मार्था को कहता है कि तुम कुछ नहीं कहोगी क्या। वो कहती है कि जोनस इधर ही है। बार्तोस कहता है कि हम समय में सफर करके आए हैं और तुम्हारा ध्यान सिर्फ जोनस पर है। मार्था गुस्से में कहती है कि तुमने ही कहा था कि जोनस इस लड़ाई का हिस्सा है और उसको पता हो कि मेरा भाई और मेरे पिता कहाँ हैं। वो बार्तोस को कहती है कि तुमको यह सब पहले से पता था और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। वो कहती है कि जिसने जो करना है वो करे और वो वहाँ से चल देती है। अब कहानी जाती है 1954 में। हेल्गे की माँ ग्रेटा ईगन को बताती है कि हेल्गे अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ईगन कहता है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ईगन हेल्गे को क्लोडिया की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इसको जानते हो। ईगन कहता है कि क्या तुम इसके साथ थे, क्या इसने तुम्हें कैद किया था। हेल्गे कहता है कि मुझे उसने इसके बारे में बताया था। ईगन कहता है कि किसने। हेल्गे कहता है वाइट टेबल ने। ईगन कहता है कि कहीं यह वो तो नहीं जिसने तुम्हारे चेहरे का यह हाल किया है। ईगन कहता है कि चलो मुझे वाइट डेविल के बारे में बताओ। हेल्गे कहता है कि वो औरत हम सबको मारना चाहती थी। ईगन कहता है कि वो मर गई है और वो अब कुछ नहीं कर सकती। हेल्गे कहता है कि अभी तो उसने मारना शुरू भी नहीं किया। उधर 1987 में क्लोडिया अपने पिता ईगन के पास पहुँचती है। वो अपने पिता को कहती है कि अब आपको हमारे साथ रहना चाहिए। ईगन कहता है कि मुझे कीमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल जाना है। क्लोडिया कहती है कि क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। ईगन कहता है कि इसमें मुझे खुशी होगी। उधर 2020 में क्लोसन अलेक्जेंडर को कहता है कि इस रिपोर्ट को देखो। अलेक्जेंडर कहता है कि यह क्या है।
क्लोसन कहता है कि यह इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे यहाँ आने से पहले की। क्लोसन कहता है कि तुम 5'6" होंगे मैक्सिमम, परंतु यह रिपोर्ट कह रही है कि अलेक्जेंडर कोहलर 5'8" का था, तो यह 2" कहाँ गए। क्लोसन कहता है कि मैं तुम्हें किसी की आइडेंटिटी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। उधर जोनस पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो मार्था होती है जो हैना को आवाज दे रही होती है। जोनस दरवाजा खोलता है, मार्था उससे पूछती है कि तुम कौन हो। मार्था कहती है कि मैं हैना से बात करने आई हूँ। जोनस कहता है कि वो यहाँ नहीं है। जोनस कहता है कि ग्लिच इन द मैट्रिक्स। मार्था कहती है तुम्हें कैसे पता है ये। जोनस कहता है कि क्या तुम्हें सिक्का मिला। वो बताता है कि मैं ही जोनस हूँ। उधर 1987 में ईगन क्लोडिया को कह रहा होता है कि क्या मैं एक अच्छा पुलिस वाला हूँ। क्लोडिया कहती है कि मुझे क्या पता, परंतु आप अच्छा काम करते थे। ईगन कहता है मैं ऐसा नहीं सोचता। ईगन कहता है कि टाइम ट्रैवल सच में एग्जिस्ट करता है और यह मैट्स और हेल्गे के साथ रिलेटेड है। उधर 1954 में ईगन जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो हैना वहां होती है। हैना कहती है कि मैं अपने पति की खोज में आई हूं। न्यूज़पेपर में उनकी फोटो छपी थी मरे हुए बच्चों वाले केस में। ईगन उसको उल्रिक की फोटो दिखाता है। वो कहती है कि यह मेरे पति से मिलता जुलता है। ईगन कहता है कि यह 2 बच्चों के मर्डर के केस में अंदर है। हैना कहती है कि क्या मैं इससे मिल सकती हूँ। ईगन कहता है कि अभी वो मेंटल असाइलन में है। ईगन पूछता है कि तुम कौन हो। हैना यहाँ पर झूठ बोलती है और कहती है कि मेरा नाम कैथरीना नेल्सन है और मैं उसकी पत्नी हूँ। उधर 2020 में मार्था जोनस से पूछती है कि इतने समय तुम कहाँ रहे। जोनस कहता है कि मैं सब ठीक करने गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कैथरीना कहती है कि हैना तुम यहाँ हो। कैथरीना दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और वो मार्था को वहां पाती है। कैथरीना मार्था को कहती है कि तुम्हें पता है कि यह कौन है। यह तुम्हारे भाई मिक्कल की संतान है, यानी कि तुम इसकी आंट हो। मिक्कल ही माइकल है। जोनस मार्था को कहता है कि आई एम सॉरी। कैथरीना कहती है कि टाइम मशीन कहाँ है। जोनस कहता है उसको लेकर हैना गायब हो गई है। मार्था कहती है कि मैग्नस के पास टाइम मशीन है। कैथरीना जोनस को धमकी देती है कि मेरी बेटी से दूर रहो। उधर क्लोसन गन निकालकर टेबल पर रखता है। क्लोसन कहता है कि मेरा भाई भी 1986 में गुम हुआ था। उसका नाम भी अलेक्जेंडर कोहलर था। क्लोसन कहता है कि जर्मनी में लगभग 700 लोग अलेक्जेंडर नाम से होंगे। खासकर उस इंसान को ढूंढना कितना मुश्किल होगा जिसने अपना सरनेम अपनी पत्नी के नाम पर रख लिया हो। क्लोसन कहता है कि मैंने भी अपना सरनेम अपनी माँ के नाम से रखा है। क्लोसन कहता है कि मुझे एक लेटर मिला। वो अलेक्जेंडर को वो लेटर पढ़ने के लिए देता है। उस लेटर में लिखा था कि तुम्हारा भाई विंडन सिटी में है। क्लोसन कहता है कि तुम कहीं से भी मेरे भाई जैसे नहीं लगते। उधर 1954 में ईगन हैना को कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने कभी जुर्म को माना नहीं, तुम उसको कन्फेस करने के लिए कहना। ईगन कहता है कि क्या तुम लोगों का कोई बच्चा है। हैना कहती है कि नहीं है, परंतु ईगन कहता है कि कितनी अजीब बात है, वो अपने बेटे को खोजने के लिए आया था। ईगन कहता है कि क्या तुम्हें व्हाइट डेविल के बारे में पता है, और हैना कहती है नहीं। उधर 1987 में क्लोडिया ईगन से कहती है कि आपने फिर से उस इंसान को गिरफ्तार करवाया जिसको आपने 1953 में गिरफ्तार किया था। ईगन कहता है कि आदमी तो वही था, मगर अब वो बूढ़ा हो चुका था। क्लोडिया कहती है कि वो कहाँ है। ईगन कहता है कि वो पागलखाने में है। क्लोडिया कहती है कि आपको मेरे साथ ही अब मेरे घर पे रहना होगा अब से। उधर 2020 में पीटर बच्चों से कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने इस मशीन से समय में सफर किया है। पीटर पूछता है कि कौन से साल में। फैंसिका कहती है कि क्या आप लोगों को यह पहले से ही सब पता था। तभी मैग्नस को फोन आता है। मैग्नस उन सबको कहता है कि जोनस वापस आ गया है जैसा कि बार्थो उसने कहा था, परंतु उसकी उम्र बढ़ गई है। चार्लेट कहती है कि अच्छा रहेगा कि तुम लोग इससे दूर रहो। फैंसिका गुस्से में अपने पेरेंट्स से कहती है कि आप लोग सब अपने सीक्रेट छुपाते हो, पापा बैनी के साथ अफेयर रखते हैं, आप सब लोग बेहुदा हो, और वो यह कहकर चल देती है वहां से। उधर 1954 में हैना जब उल्रिच से मिलती है तो उसको कहती है कि कैथरीना और मुझ में से किसी को चुनना हो तो तुम किसको चुनोगे। उल्रिच हैना को कहता है कि मुझे जहाँ से बाहर निकालो और मैं कैथरीना को छोड़ दूंगा, मगर हैना उसको कहती है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। हैना ईगन को कहती है कि इसकी शक्ल मेरे पति से मिलती है, परंतु ये मेरा पति नहीं है। उधर 2020 में मार्था अपनी माँ कैथरीना को कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी मैग्नस आता है। कैथरीना कहती है क्या टाइम मशीन तुम्हारे पास है। मैग्नस उसको मशीन दिखाता है। कैथरीना कहती है कि तुम्हें यह चलानी आती है। मैग्नस कहता है कि बार्थोस को आती है। कैथरीना मशीन उठाती है और वहां से चल देती है। मार्था मैग्नस को बताती है कि मिक्कल और उनके पिता जिंदा हैं।
परंतु वह इस समय में नहीं है, वो किसी और समय में है। उधर 1987 में क्लोडिया ईगन से कहती है कि सिर्फ दवाइयां उठाओ और हमारे साथ चल पड़ो। ईगन कहता है कि वो गुफा में क्यों जाना चाहता था, शायद गुफा के अंदर कुछ हो। क्लोडिया कहती है कि बस करो। ईगन कहता है कि 1953 में भी वो गुफा में जाना चाहता था। क्लोडिया ईगन की मेडिसिन अपने पर्स में रखती है और कहती है कि क्या हम चलें। ईगन क्लोडिया को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। ईगन कहता है कि तुम्हें टाइम ट्रेवल के बारे में पता था और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी के साथ कनेक्टेड है। ईगन कहता है कि तुम भी इन सब का एक हिस्सा हो। क्लोडिया कहती है कि पागल मत बनो। ईगन कहता है कि हमको गुफा की छानबीन करनी चाहिए। क्लोडिया गुस्से में कहती है कि गुफा में कुछ नहीं है और कोई टाइम ट्रेवल नहीं होता है। ईगन फोन डायल करने लगता है। क्लोडिया पूछती है कि यह क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं सब पुलिस को बता दूंगा। क्लोडिया फोन काट देती है और कहती है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि गुफा में क्या है। गुफा के अंदर अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी खोज है, उसके कारण ही हम यूनिवर्स को पूरा का पूरा समझ सकते हैं, और आप क्या यह सब दांव पर लगाना चाहते हैं। ईगन कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। दोनों की फोन के लिए छीना झपटी होती है। इस छीना झपटी में ईगन एकदम से गिर जाता है और उसका सिर टेबल से टकरा जाता है। क्लोडिया कहती है कि मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। वो फोन को डायल करती है, फिर वो कुछ सोचकर फोन को काट देती है। वो कहती है कि सबको कुर्बानी देनी होती है और सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा होना चाहिए था, तभी वो जिंदा रह पाएगी, यानी कि क्लोडिया की डॉटर रजीना जिंदा रह पाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि ओल्ड क्लोडिया ने क्यों यंग ईगन से माफी मांगी थी 1954 में। ईगन के अंतिम शब्द होते हैं कि तुम ही वाइट डेबिल हो। उधर 1954 में ईगन हैना को सिगरेट ऑफर करते हुए पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो तुम्हारा पति नहीं है। वो कहती है हाँ मैं श्योर हूँ। ईगन कहता है कि क्या तुम एग्नेस नेल्सन को जानती हो। हैना उसको कहती है नहीं। ईगन कहता है कि क्या तुम वापस जा रही हो। वो कहती है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है और अब मैं एक फ्रेश स्टार्ट करने वाली हूँ। उधर 1987 में क्लोडिया टाइम मशीन लेके अपने घर लौटती है। वो रजीना का मैसेज देखती है कि वो अपने दोस्तों के साथ है। क्लोडिया रोते हुए अपने खून भरे हाथों को धोती है, तभी जोनस वहाँ आता है। क्लोडिया कहती है कि तुम कौन हो और मेरे घर की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई। जोनस कहता है कि तुमने ही चाबी मेरे को दी थी घर छोड़ने से पहले। क्लोडिया कहती है कि यह क्या बकवास है, मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ। क्लोडिया कहती है कि क्या उसने दी है जो मैं ही हूँ परंतु एज्ड हो चुकी हूँ। जोनस कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं हो, हमको जाना पड़ेगा। क्लोडिया कहती है कि मैं समझी नहीं। जोनस कहता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। जोनस क्लोडिया को कहता है कि उसने यह भी कहा था कि यह इस तरह नहीं होना चाहिए था। क्लोडिया कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जोनस उसको कहता है कि फ्यूचर में। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यह एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।